ये सारी है मेरी पुरानी पतंगों की कलेक्शन। यहाँ पे लगभग 100 पतंगे हैं और मांझा भी है, और यहाँ पे दो दो चार रील ऑलरेडी है मेरे पास। इसे मैंने पहले खरीदा था, अभी रिसेंटली जो खरीदा अभी आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये है कुछ अद्दी पतंगे, आप देख सकते हो सुखा रखो अब कहाँ, सब जगह ही पतंग पतंग। अब यहाँ पे देखो सब डिज़ाइनिंग पतंग है, ये सब लोकल पतंग है। तो यहाँ पे और भी कुछ लोकल पतंग है, लेकिन पतंग ही लोकल होगी, लेकिन पतंगें हैं अभी अच्छी। फिर ऐसे ही और पतंगे, फिर और डिज़ाइन देखो डिज़ाइन, और पतंग पतंग के कारीगरों की देखो, फिर और पतंगे। फिर यहाँ पर ही बहुत सारे पतंगे हैं, छोटी बड़ी सब कुछ, अद्धी पौनी। तो यहाँ पर आप देखो हर एक पतंग में ही किसी न किसी कारीगर की पतंग है। और यहाँ पे है मेरी सारी मांझे, और यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे आपको लोकल से लेके सब अच्छी कारीगर की सब मांझे मिलेगी, और इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, तो इस बार मैं लेके आ गया हूँ अपना बिगेस्ट काइट एंड मांझा स्टैश, और पूरी 10,000 का शॉपिंग है। मैं मजाक नहीं कर रहा, 10,000 का ही मैं आपको सब दिखाऊंगा। इसमें आपको मांझा पतंग सद्दी सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ। और हाँ, ये मेरा अकेले का नहीं है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा मेरे पास क्या क्या है। तो वीडियो तक आखिर तक बने रहिए। यहाँ पे मेरी सारी पतंगे और मांझा की कलेक्शन जो मैं आज खरीद के लेके आया, और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक बार दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह के अद्धी पतंगे हैं, आप देख सकते हो अद्धी 27.5 डेढ़ ये सब पतंग हैं, लगभग लगभग कह सकते हैं 400 पतंगे हैं। और ये सब पतंग मैं होलसेल में ख़रीदा था, काफ़ी चीप रेट में मिल चुके हैं। इसकी छिलाई कारीगरी देख के तो बता ही सकते हो कितनी अच्छी पतंग है ये सब, सब एकदम मक्खन उड़ेगी। और हाँ, ये सारी पतंग मेरी नहीं है, इनमें से कुछ कुछ मेरे दोस्तों के भी है जो लोग आएंगे पतंग उड़ाने 15 अगस्त विश्वकर्मा पूजा को। देखो सब डिज़ाइन देखो, कारीगर देखो, और बहुत सारी पतंग है। ये तो मैं आपको 50% दिखा रहा हूँ, बाकी ये और भी रखे हुए मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। ये सब स्पेशल कारीगरी की पतंग है, आप देखो स्टैम्प में देख सकते हो। और यहाँ पर भी काफ़ी सारी पतंग, ये सब छोटी पतंग है जो शॉर्ट रेंज के लिए मैंने खरीदी है। मैंने बहुत सारी पतंगें बहुत सारे मांझे में ख़रीदा हूँ, पता नहीं इस वीडियो में दिखा पाऊँगा या नहीं। देखो ये भी एक तरह की पतंग है, ये सब पन्ने की पतंग है, बारिश हुई तो ये काम में आएगी। हाँ तो इतना ही बिखरा हुआ है, बाकी मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे। ये सब फिलहाल पतंग जो मैं बिस्तर में रखा हूँ आपको दिखाया, और भी बाकी है मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो ये सब कुछ मेरे पुराने मांझे हैं जो आपको दिखा देता हूँ एक बार। जो सद्दी है ये सब मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदा, ये वाली जो बड़ी चरखी है हाँ ये वाला मैं इस बार ख़रीदा, बाकी जो सारे मांझे पुराने हैं मैं आपको आगे नए मांझे दिखाने वाला हूँ। और ये सब पतंग तो मैं अभी दिखा ही चुका हूँ आपको, यहाँ पे लगभग 200 पतंग तो है ही। एक स्पेशल मांझा जो मैं कल लेके आया था, ये जाहिद हुसैन का है, मैं इसको धूप में रखा हूँ, अब देख सकते हो हल्की चमक भी रही है। तो अब अगर बात करो सद्दी की, तो मैंने ऐसी 4 रील की सद्दी ली है, ये विक्टर की है, ये काफ़ी अच्छी सद्दी में से गिना जाता है, विक्टर या वर्धमान, आप देख सकते हो विक्टर का एक लोगो है, एकदम ओरिजिनल है, आप ये लोगो देख के लीजिए। इन सब रील में 1000 तो नहीं मिलती, लेकिन 925 होती है। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये यहाँ पे MRP तो 45 है, लेकिन 50 के नीचे तो आपको ही मिलेगा नहीं, ये कहीं मिल नहीं रहा था तो मैं 50 रुपये में ले लिया। और इसको खोल के देखते हैं क्वालिटी कैसा है, क्वालिटी ऑफ कोर्स अच्छा ही होगा। इसमें वैक्स का कोटिंग आप देख सकते हो, ये थोड़ा शाइन कर रही है, इसका काफ़ी इसको मजबूती देता है, इसके ऊपर एक वैक्स की कोटिंग है। और ये हाथ में काफ़ी अच्छा ग्रिप भी आता है, इसको आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ। हाँ ये देख सकते हो कितना अच्छा स्मूथनेस और एक ग्रिप में हाथ में आएगा, और ये काफ़ी मोटा और काफ़ी सॉलिड है, ये आप मांझे के लास्ट में बांध के आप इससे आराम से उड़ा सकते हो, लॉन्ग रेंज के लिए काफ़ी अच्छी सद्दी होती है, आप इसको लास्ट में बांध के और कन्ने के साथ आराम से उड़ा सकते हो। सद्दी का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर भी एक सद्दी है विक्टर की है, जो मैं पहले ही लपेट चुका हूँ, ये वाइट कलर की है, ये भी 1000 ही है। और इसकी मैं 2 रील ख़रीदा था,
और यहाँ पे मैं कुछ छोटी पतंगे लेके आया जो मैं खरीदना भूल गया था। ये सब शॉर्ट रेंज में काफ़ी काम आएगी क्योंकि फेस्टिवल में ज़्यादा दूर तो पेस्ट लड़ाते नहीं हैं, तो ये सभी ज़्यादा काम में आएगी। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में मेरे मांजा का कलेक्शन बता देता हूँ, कौन सी क्या मांजा है और इसकी प्राइस कितनी है। तो सबसे पहले मैंने इसे सजा के रखा है अच्छे से, सबसे अच्छे तक। तो सबसे पहले है ये सद्दी, लोकल सद्दी, जो एक रील है जो मैंने हाथ से लपेटा। और ये भी है लोकल मांजा, लेकिन काफ़ी अच्छी मांजा है, बहुत धार है इसमें। इसकी प्राइस है लगभग 120 रुपीज़ पर रील। और उसके बाद आता है ये मांजा, ये भी लोकल है, इसकी प्राइस आती है 150 रुपीज़ पर रील और काफ़ी अच्छी धार है। ये दोनों के, ये दोनों लगभग एक जैसी मांजा है। फिर आता है ये, यहाँ से आता है कॉम्पिटिशन का मांजा, ये है मैदानी धूला मांजा, जो मैंने दो रील खरीदी और ये बहुत ही महंगी है, ये लगभग 150 रुपये मैंने बार्गेनिंग करके मिली मुझे पर रील। उसके बाद आते हैं सबसे महंगे मांजा जो हर कॉम्पिटिशन में यूज़ होता है। अब गौर से देखो इसको, इसका स्मेल एकदम बारूद जैसा है और इसकी धार भी काफ़ी तेज़ है, कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। ये है, ये मेरे सब मांजे में सबसे बेस्ट है। इसकी पर रील की प्राइस है 300 रुपीज़ पर रील और मैंने तीन रील ली, मतलब 900 रुपीज़। ये वाली मांजा सबसे एक्सपेंसिव और सबसे अच्छी है मेरे बाकी मांजा से। इसकी स्मेल आपको एकदम बारूद जैसी लगेगी और इसको हाथ में लेके आपको समझ में आएगा कितनी धार है इसकी। तो ये सब भी मैं फ़िलहाल रिसेंटली ख़रीदा, और वैसे मेरे पास पुराने मांजे भी हैं लेकिन मैं फेस्टिवल के लिए ये सब रिसेंटली ख़रीदा। तो आपको मेरा स्पेशल मांजा एक बार दिखा देता हूँ अंधेरे में। मुझे लगा कैमरे में नज़र आएगा लेकिन कैमरे में इसकी चमक बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। रियल लाइफ और कैमरे में बहुत डिफरेंस है सच में। मैं इतना धार वाले मांजा शायद से पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखते हैं 15 अगस्त को क्या होगा। तो यही थी मेरी मांजों की कलेक्शन, आप देख सकते हो। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे। और अब यहाँ पे जो पतंग देख रहे हो, इसको सजाने में मुझे कम से कम 1 घंटा लग गया। मेरे पुराने पतंग हटा के ये सब नए पतंग रखा मैं। तो ये भी एक नया कलेक्शन है मेरा। यहाँ पे आपको ज़्यादातर डिज़ाइनिंग गाइड मिलेगी जो लोकल कारीगरों की है, और दो रील का मांजा मिलेगा। ये देखो, ये इसमें दो रील है और उसमें भी दो रील है, और ये दोनों ही 6 कॉर्ड का मांजा है। तो फिलहाल कलेक्शन में इतना ही था। आप जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, मिलते हैं अगले वीडियो पे।